बैक टू द ब्लॉग। आज है 9th ऑफ दिसंबर और दो दिन के बाद हमारी एनिवर्सरी है जो कि है 11th ऑफ दिसंबर। तो एक साल पहले मैं बर्बाद हुआ था, मुझे याद है। तो उसकी तैयारी चल रही है। तैयारी ये है कि हम लोग क्या हो गया मैडम, क्या हो गया? मेरा जैकेट हड़प के बैठी है और सुबह से कुछ काम करने बोलो तो बिना कुछ डायलॉग मारे तो काम हो नहीं रहा है। मेरे को डायलॉग चिपका दिए, सब बर्बाद हुए। सीन अभी ऐसा है कि प्लान हो रहा है एक ट्रिप, क्योंकि एनिवर्सरी है तो कहीं बाहर जाएंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग पहले जा चुके हैं तो कोई नई जगह नहीं है वो। बहुत बार जा चुके हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी गेस्ट कि कहाँ जा रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि कौन सी जगह है। और पिछली बार हम लोग वहाँ पे बाइक से गए थे, इस बार हम लोग वहाँ पे कार से जाने वाले हैं तो मज़ा आने वाला है। बहुत लोगों ने बोला है कि ब्रेजा में ट्रिप करो, अच्छा रहेगा। प्लान ऐसा है कि पहले हम लोग जाने वाले थे ट्रेन से और ट्रेन की टिकट बुक हो गई थी, होटल बुक हो गया था, उसके हिसाब से मैक्स हमारे साथ नहीं जा रहा था। सो मैक्स अभी कम्प्लीटली सोशलाइज नहीं हुआ अदर डॉग्स के साथ, इसलिए वो अभी क्रच में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, किसी भी क्रच में एडजस्ट नहीं हो पाएगा जहाँ पे अदर डॉग्स हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़े दिन के लिए, पिछले कुछ दिनों से मैं लेके जा रहा हूँ फील्ड में, उसके साथ अच्छे से ये नहीं रह पा रहा है क्योंकि वो लोग इसको थोड़ा सा दौड़ाते हैं तो डर जाता है और मेरे पीछे आके छिपने लगता है। अब इसको क्रच में छोड़ के जाएंगे और उस टाइम पे दूसरे डॉग्स इसको जब डांटेंगे तो फिर ये ढूंढेगा हमें, तो इसलिए इसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। प्लस इसकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, इसको थोड़ा सा फीवर आ रखा है, 2-3 बार वॉमिट कर चुका है कल से। तो प्लान ऐसा है कि पहले लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर प्लान चेंज हो गया। अब हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, मैक्स भी हमारे साथ जा रहा है और हमारे साथ ऐसा कॉमेडी वाला क्या बोला। अभी प्लानिंग हो ही रही थी और ये भाई साहब पहले ही होटल कैंसिल, ट्रेन की टिकट कैंसिल, और ये नहीं देखा कि पेट फ्रेंडली होटल वहाँ पे है कि नहीं है, कैंसिल करके बैठा है। मैंने पूछा है होटल के, तो अरे होटल तो मिल जाएगा इजीली, और उसके बाद जो हुआ। अरे तो मुझे लगा ना कि मिल जाएगा, हर जगह पेट फ्रेंडली मिल जाता है, तो अभी भी तो मिल ही गया ना। हाँ इतना अच्छा नहीं मिला, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या है। पहले कैंसिल वैंसिल करके बैठा है, उसके बाद फिर हम लोगों ने 2-3 घंटे ट्राई करी बुक करने की, कुछ भी बुक नहीं हो रहा था। तो अब लग रहा था कि हम लोग जा नहीं पाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर फाइनली एक होटल मिला है। नॉट अ वेरी गुड होटल, मतलब काम चलाऊ है ऐसा अभी लग रहा है, वहाँ जाके देखेंगे, रिव्यूज़ तो अच्छे हैं तो पता नहीं, और रेट भी बहुत मतलब जेन्युइन है, तो जाके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। एक रात वहाँ पे काटनी है उस होटल में, तो जैसा भी होगा काट लेंगे मैक्स के लिए। तो सीन ऐसा है कि आज बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे प्रिपरेशन करनी है, गाड़ी से जाना है, गाड़ी साफ़ करानी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, उसमें स्टिकर लगवाना है। उसके अलावा पैकिंग तो आधा सुधा हो गया है, आधा पैकिंग बाकी है। ट्रेन का पैकिंग हुआ है ना, तो गाड़ी वाला होगा। हाँ तो और सारा सामान रखूंगी ना, ट्रेन में तो मेरे पास लिमिट थी कि इतना ही रखना, क्योंकि उठाना मुझे ही था। देख लो गाड़ी कितनी गंदी है भाई साहब, ये वैसे इसको साफ करा के उतना कोई फायदा नहीं है, मैक्स दोबारा से गंदा कर देगा, लेकिन फिर भी गंदी गाड़ी ले जाने का मजा नहीं है, इसलिए इसको जा रहा हूँ साफ करा लेता हूँ अच्छे से, ताकि साफ गाड़ी लेके जाऊंगा। आगे पीछे हर तरफ से गंदी है वैसे तो, और स्टिकर भी लगाना है, अभी फाइनल नहीं है कि स्टिकर कहाँ पे लगाना है, कौन से एरिया में, मतलब आगे आगे तो कहीं नहीं लगाना, पीछे लगाना है, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने मतलब गाड़ी में बाइक में स्टिकर या फिर ऐसे इस टाइप का कुछ मॉडिफिकेशन करना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे बिल्कुल साफ सिंपल सोबर चाहिए। लेकिन अभी यूट्यूब के लिए करना पड़ता है, इसलिए मैंने बाइक में भी आगे पीछे स्टिकर, आगे और साइड में स्टिकर्स लगा रखे हैं, और अब गाड़ी में भी स्टिकर लगाना ज़रूरी है ताकि लोगों को भी पता चले भाई ये किस ब्लॉक से जा रहा है यहाँ से। तो बस अभी जा रहा हूँ, पहले वॉश कराता हूँ, अच्छे से क्लीन कराता हूँ, फिर स्टिकर की दुकान देख के स्टिकर लगवाता हूँ, और फिर देखते हैं। आज और भी बहुत सारे काम हैं, वीडियो एडिट करने हैं दो और आधा भी नहीं हुआ अभी तक, तो देखते हैं कौन सा काम कब होता है कैसे होता है। तो फाइनली वॉशिंग शुरू हो चुकी है, आसपास एक शॉप मिला था वहाँ से, और पूरा वैक्यूम होगा पहले, फिर क्लीन होगा, और इस बार सीट ओपन करके भी मुझे वैक्यूम कराना है क्योंकि पीछे का काफ़ी ज़्यादा गंदा है सीट। ऑलमोस्ट हो गया है, कपड़ा लग रहा है, उसके बाद पॉलिश होगा, पॉलिश हो जाने के बाद गाड़ी बिल्कुल चमक जाएगी, और चमक जाएगी तो फिर लेके जाने का मज़ा आएगा ट्रिप पे, साफ सुथरी गाड़ी में चलने का मज़ा ही कुछ और है। फिलहाल मैं बैठ के कर रहा हूँ, टाइम का इधर बन गया है और अब लग रहा है
तो गाड़ी की वॉशिंग का और स्टिकर का काम हो गया, मैं घर आ गया। घर आने के बाद वीडियो आधा ने मैंने एडिट कर दिया था और अभी वो आजकल एडिट कर रही है थोड़ा बहुत, और उसके बाद आधा मैंने एडिट कर दिया है। कॉफ़ी पीना हो गया और हम लोग दोबारा से बाहर जा रहे हैं क्योंकि अभी और कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे कि मुझे एक डेटा केबल लेना है क्योंकि जो इनबॉक्स डेटा केबल मिला था आईफोन के साथ उसमें USB-C टू लाइटनिंग है, मुझे USB-A टू लाइटनिंग चाहिए क्योंकि जो मेरा कार चार्जर है उसमें USB-C पोर्ट नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ वो लेने के लिए। और एक मोबाइल होल्डर लेना है जो कि विंडशील्ड पे पेस्ट हो जाए और मोबाइल उसमें लग जाए, तो उससे क्या है तो व्लॉगिंग भी इजी हो जाती है और मैप वैप अगर देखना हो तो वो भी इजी हो जाता है, वरना एक बंदे को बैठ के मैप देखते रहना पड़ता है। बंदा कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहा है नीचे जाने के लिए, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है। क्या हो गया, चले नीचे, क्यों गुस्सा क्यों रहा है, एक बात बता। अभी नहीं आते, इसको बहुत ही सुसु आई है। चलो 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 चलेंगे नीचे चलेंगे। भाई ये मेरा ही जैकेट पहन के घूमता रहेगा। तो मैक्स यहाँ पे वॉक कर रहा है और वहाँ पे एक और डॉगी है शीरो, लैब्राडोर, वहाँ पे घूम रहा है। अगर उसको गलती से मैक्स दिख गया तो वो फटाफट आ जाएगा यहाँ पे। इसको तो मैंने रोक रखा है, इसने देख लिया है उसको, लेकिन ये जा नहीं पाया बेचारा। और नैमी वहाँ पे है जो मार्केट एरिया है, वहाँ से डेटा केबल वगैरह ले रही है क्योंकि मुझे चाहिए डेटा केबल। और मच्छर यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई साहब, दिख रहा होगा आपको, मैक्स ऊपर मच्छर मंडरा रहे हैं। और यहाँ देखो भाई साहब, ओह इतने सारे मच्छर, भागना पड़ेगा यहाँ से जल्दी। मैक्स चलें चलें घर चलें। देखो ये मच्छर से परेशान है। मैक्स मच्छर कहाँ से आ गया, कॉमेडी है भाई ये भी सच में। मैंने बोला था कि शीरो देखेगा तो आ जाएगा, आ गया है। और अब ये लोग दोनों खेलेंगे भी, लड़ेंगे भी। भाई मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे माफ कर दो। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो लीव। मैंने उसके पैसे भी नहीं दिए, फाड़ दिए इसने, पैसे भी मुस्ता भी नहीं देने दिए। मैंने बोला था ना, फाड़ दिया ना तूने। मैंने बोला था टॉय लाके इसको दिखा के पूछ रही है लेना है, इतने में इसने छीन लिया टॉय। पैसे भी नहीं दिए, फिर डिसाइड ही हो रहा था लेना है कि नहीं लेना है इतने में। एक सेकेंड जा दे दे मैक्स। क्या किया ये? क्या किया? क्यों फाड़े इसको? कॉमेडी करता है यार ये कभी कभी। क्यों फाड़ा? अब जाके पैसे दे के आओ यार, अभी तुमने दिखाने के लिए लाई थी। हो गया परचेज। जाने से पहले पेट्रोल फुल कराना जरूरी था तो हमने सोचा अभी यहीं से टैंक फुल करा लेते हैं ताकि आगे जाके फिर हमें रास्ते में दिक्कत ना हो। ओह भैया इतने तेज के बस बोले कि मैक्स भी पलट के देख रहा है। मैक्स को देख के ही तो डरे वो। अच्छा भैया ने कितना तेज के बोला बस यार, जा जीरो देख लो। मैं इसको पहले बंद करूं नहीं तो भैया भर ही नहीं पाएंगे। 95 रुपीस 42 पैसा देख रहा है जीरो। हाँ हाँ भरो भैया। उस तरफ दूसरों की गाड़ी का देख रहा है, हमारी गाड़ी का नहीं देख रहा। वो सबका देखना चाहता है। आई थिंक ही इज द मैनेजर ऑफ दिस पेट्रोल पंप क्योंकि हर बार आके इधर उधर देखता है। जीरो ठीक था सर? हाँ उसका भी देख रहा है, उसका जीरो ठीक है। जीरो मैं सो दिस इज द होल्डर दैट आई हैव गॉट। ऑनलाइन भी मिल रहा था बहुत सारा लेकिन ऑनलाइन लेने का टाइम नहीं था हमारे पास तो हमने ऑफलाइन लिया है। और वैसे तो स्टडी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गाड़ी चलते हुए कितना हिलेगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है एक अच्छा खासा ब्लॉग तो बना ही लेगा। चल रहा है, हमने जो नया फ़ोन होल्डर ख़रीदा है वो होल्डर हमने यहाँ पे लगा दिया है और अभी जस्ट टेस्टिंग हो रहा है कि सही से ब्लॉग हो रहा है कि नहीं, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है कि नहीं। तो गाड़ी चलाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से चलती रहेगी और साइड से ब्लॉगिंग भी होता रहेगा विच इज़ वेरी गुड। एंड आई होप कि जो एंगल आ रहा हो वो बढ़िया आ रहा हो, मुझे पता नहीं कैसा है। सबसे बड़ी बात है जो गलत GPS में चलाती हूँ इनका, वो इनका ठीक हो गया। अब मैं इसमें GPS लगा लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फटाफट टेस्टिंग देखते हैं कैसा फुटेज आता है और ऊपर जाते कुछ खाते हैं तैयारी करते हैं। इसको देखो अपना टॉय लेके आ रहा है खुद से।
दे दो हमें, दे दो अपना टॉय मैक्स, मम्मा को दे दो गिफ्ट। ओहो छूट गया, छूट नहीं गया, ज्यादा बढ़िया ट्रिप बना रहा है। कोई छीनने की कोशिश ना। किसने दिलाया आपको ये टॉय? मम्मा ने दिलाया, जिनसे तू बचा रहा है ना। कैसे इसने जैसे कोई लाश पकड़ी हो। क्या हो रहा है? आपके बाबू का बाबू सिल रही हूँ। तो सीन ऐसा है कि इसने इसको फाड़ दिया दोबारा से। एक बार जो फाड़ा था नीचे से, वो तो हमने दुकान वाले से ही बोला, तो उन्होंने सामने जो टेलर है उसे सिलवा के दे दिया, लेकिन इसने दोबारा फाड़ दिया और फाड़ के ऐसे ला के इसके पास रख दिया जैसे सिलने बोल रहा हो इसको। मुंह बना के तो फिर ये सिलने बैठ गई सारे काम छोड़ के। फिर बज रहे 7:15 शाम के, तो बहुत सारी तैयारियाँ अभी बाकी है, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी था। दिमाग खा रहा था, किचन में गई, किचन में आ गया मुँह में डाल के, मुझे लगा कह रहा है कि खींच इसको जैसे खेलता है, देखा तो ये फटा हुआ था, इसके लिए प्यू प्यू कर रहा था। आज सुबह से इसी का काम कर रही हूँ, पहले इसका मैंने पूरा बेडिंग सिला, हमने इसके लिए डॉग्स वाला जो बेड होता है वो लाए, उस पर ये एक दिन नहीं बैठा, बड़ा होकर उसको फाड़ दिया। फिर मैंने इसको एक गद्दा दिया, वो भी फाड़ दिया। आज मैंने एक और गद्दा दिया, उसको अच्छे से मैंने ना बेड शीट लगा के पक्का कर दिया, अब देखते कैसे फाड़ता है उसको। तो फाइनली मैंने मैक्स के लिए अरेंजमेंट कर दिया है, क्योंकि ट्रिप लंबा होने वाला है, तो यहाँ पे क्या है कि वो कभी कभी ब्रेक लगाते हैं तो नीचे गिर जाता है, तो वो यहाँ पे पैर रखेगा गिरेगा नहीं, एटलीस्ट तो उसका सपोर्ट रहेगा। मैंने तो बीन बैग घुसाने की कोशिश करी थी, बट बीन बैग इसमें गया नहीं, तो मैंने ये लगा दिया। बाकी अभी अविनाश आएंगे तो वो अप्रूव करेंगे ठीक है या नहीं है।